नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा या फिर टाइटल में पढ़ लिया होगा कि श्रीलंका में एक नया प्रेसिडेंट चुना गया है। अब वो एक कम्युनिस्ट है और ये श्रीलंका का सबसे पहला कम्युनिस्ट लीडर बन के आया है। इसका नाम है ए के दिशानायके। अब ये दिशानायके कौन है? वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है, जेवीपी, उस पार्टी का क्या प्रभाव है श्रीलंकन पॉलिटिक्स में, और ये दिशानायके इंडियन ओशन रीजन में किस तरह से जियोपॉलिटिक्स में प्रभाव डाल सकता है और उसकी भारत पर किस प्रकार से असर पड़ सकती है, इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस पर किस प्रकार से असर पड़ सकती है, उसके ऊपर नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे कि हमने आपको बताया कि चैनल को डिमोनिटाइज कर दिया गया है, तो फाइनेंशियल बैकअप बहुत ही जरूरी है, तो इसीलिए हमने यहां पर अपना क्यूआर कोड लगाया है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी हो सके हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहें, ताकि इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लोग आप सभी के लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी यूएस के विजिट पर है, उसके चलते ज्यादातर न्यूज मीडिया आउटलेट्स में और इवन कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर उन्हीं की चर्चा हो रही है। अब वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट है, ना ही सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और उसमें भी खास करके ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उन सभी के लिए। किस प्रकार से? तो वहां पर जो भी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, जिस प्रकार की डील्स वहां पर करते हैं और जिस प्रकार से अपने आप को, अपने देश को और ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे लोगों में, सिर्फ भारत के लोगों में बल्कि पूरी दुनिया में जो भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों हों, उन सभी कंट्रीज में और उनके लीडर्स में एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये एक हमारी तरफ से बोलने वाला व्यक्ति एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन में खड़ा है। और उसी के चलते ये जो हाल में नरेंद्र मोदी जी का विजिट है यूएस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी के चलते ज्यादा न्यूज मीडिया आउटलेट्स पर और इवन ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स पर भी उसी के बारे में बातचीत हो रही है। हमने भी कल और आज में कई सारे वीडियोज और कई सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे व्हाट्सएप चैनल से, और यहां तक कि हमारे ट्विटर अकाउंट से भी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और ट्विटर अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर हमारे साथ इस वीडियो के बाद जरूर जुड़े। बात करते हैं यहां पर भारत के नेबरहुड में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। ये डेवलपमेंट है श्रीलंका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो श्रीलंका में रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 2022 के अपराइजिंग के बाद और इकोनॉमिकल कोलैप्स के बाद ये पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, और इसमें चुने गए ए के दिशानायके। अब ये दिशानायके कौन है तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दिशानायके का जन्म हुआ था नवंबर 1968 में। उसके बाद उनके एजुकेशन के दौरान जब वो कॉलेज में गए, उसके बाद वे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंटर हुए और 1987 में बाद में उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री ली जेवीपी में जुड़ने के साथ। अब जेवीपी क्या है? तो जेवीपी है वहां की एक पोलिटिकल आउटफिट, एक पोलिटिकल पार्टी जिसका फुल फॉर्म है जनता विमुक्ति पेरामुना, यानी कि जेवीपी। उन्होंने जेवीपी ज्वाइन की 1987 में और उसके बाद से वो कॉन्स्टेंटली नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव। तो 1987 से धीरे धीरे करके दिशानायके ने नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी एक जगह बनाई जेवीपी पार्टी के साथ, और जेवीपी पार्टी में भी जुड़कर वहां पर भी अपना एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस सर्कल क्रिएट कर। अब ये जेवीपी पार्टी जो है जनता विमुक्ति पेरामुना, उसका श्रीलंका की पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या प्रभाव है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है, उसको अगर संक्षिप्त में देखें तो जेवीपी 1965 में एग्जिस्टेंस में आई थी, यानी कि दिशानायके के जन्म से 3 साल पहले। बाद में वो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर चलती थी, उसमें भी खास करके मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर चलती थी। उसी के ऊपर चलते हुए 1971 और 1988-89 में श्रीलंका में दो केओस हुए, दो क्राइसिस सिचुएशंस खड़ी हुई जिसके पीछे ये जेवी जिम्मेदार। वो जो दो क्राइसिस सिचुएशंस खड़ी हुई 1971 में एक और दूसरी 1988-89 में, उसके दौरान तकरीबन 15,000 से 17,000 लोगों मारे जाने के रिपोर्ट आए हैं। तो वो जो 15,000 से 17,000 लोग मारे गए उसके लिए जिम्मेदार जो पार्टी थी वो थी जेवीपी, जिसको आज श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो लीड कर रहे हैं। तो उस जेवीपी पार्टी को आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने पिछले कुछ समय में, खास करके उन्होंने जब से कमान संभाली है तब से उन्होंने धीरे धीरे करके उसकी जो छवि है, जेवीपी की जो छवि है,
उसको क्लीन करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं, बहुत सारे नैरेटिव्स क्रिएट किए हैं, और उसी पर चलते हुए उन्होंने रिसेंटली ये जो इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, उसके पहले अपनी टीम के साथ वे भारत आए। जी, दिशा नायक खुद श्रीलंका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले भारत आए थे, और उस विजिट के दौरान वो मिले थे नन अदर दैन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी टीम को। वो जो मीटिंग थी उसमें ये बताया जा रहा है कि बात इस प्रकार से हुई कि दिशा नायक ने ये प्रॉमिस दिया डॉक्टर एस जयशंकर को और भारत को कि अगर वो सत्ता में आ जाते हैं, जिसके चांसेस उनको पता था कि बहुत ही ज्यादा है, तो वे भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो काफी ही पॉजिटिव रखें। अब इसका उल्लेख करना क्यों जरूरी है, तो JVP का अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो वो हो जाता है पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। भारत के नेबरहुड में एक और इस प्रकार का नाम, एक और इस प्रकार का अब्रिविएशन उपस्थित है। अगर आपको ध्यान हो वो क्या है तो नीचे कमेंट में लिखें। 5 सेकंड देते हैं। तो उसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। जी हाँ, JVP, ये बताया जा रहा है कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है और कनेक्टेड है नन अदर देन CCP से, और उसका इंक्लिनेशन है चाइना की ओर, करप्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। तो इसी के चलते दिशा नायके ने एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले अपनी टीम के साथ भारत का दौरा किया, और उसमें डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मिलकर ये बयान दिया कि वो जो ज्योग्राफिकल रियालिटीज उसको समझते हैं, और उसी के चलते वे भारत के साथ जो रिलेशन उसको अच्छे रखेंगे, उस बात का उन्होंने प्रॉमिस उस मीटिंग किया। तो इसी प्रकार से दिशा नायक भले ही लेफ्ट लीनिंग हो, भले ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो, भले ही ये बताया जा रहा हो कि वे चाइना की ओर लीन कर रहे हैं, चाइना की ओर ज्यादा झुकाव रख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस इलेक्शन के पहले ही एक एफर्ट लगाया है भारत के साथ रिश्तों को सुधारने। तो इसी प्रकार से उनको भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि भारत का श्रीलंका में क्या इंपॉर्टेंस। लेकिन फिर से बात करते हैं JVP की जो एक्टिविटीज रही है, उनकी पार्टीज की जो एक्टिविटीज रही है उसके बारे में। तो LTTE जब जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार थे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम, उसके सामने जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज वहां पर गई थी श्रीलंका में, तब उसके अगेंस्ट में लड़ने वाले, उसके अगेंस्ट में खड़े रहने वाले, इंडियन पीस कीपिंग मिशन के अगेंस्ट में खड़े होने वाले लोग और कोई नहीं बल्कि यही JVP पार्टी के लोग थे। तो इसी प्रकार से ये जो JVP पार्टी है उसका इतिहास इस प्रकार का रहा है कि वे श्रीलंका में जितनी भी बार केओस क्रिएट हुआ है, रायट्स क्रिएट हुए हैं, क्राइसिस क्रिएट हुए हैं, उसके लिए हर बार जिम्मेदार पाई गई है। यहां तक कि 2022 में भी जो श्रीलंका का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ उसके लिए भी कहीं ना कहीं यही दिशा नायक जिम्मेदार हो, इस प्रकार की विवादें सामने आई है। लेकिन फिर भी उसने बहुत ही स्मार्टली मूव करते हुए वहां पर कहीं पर भी अपना नाम बाहर पब्लिक में ज्यादा नहीं आने दिया, और उसी के चलते ये बताया जा रहा है कई सारे इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा और कई सारे थिंक टैंक के लोगों के द्वारा कि वो जो अपराइजिंग 2022 का हुआ था वो आज भी चालू है, जिसी के चलते दिशा नायक हाल में सत्ता में आए। तो इसी प्रकार से भले ही दिशा नायक ने भारत के साथ जो रिलेशंस हैं उसको अच्छे रखने की बात कही है, लेकिन उसकी पार्टी का जो इतिहास है वो उतना स्पष्ट, उतना साफ नहीं है। इनफैक्ट इट इज वेरी ब्लडी, वो खून से रंगा हुआ है। तो उसी के चलते भारत को और भारतीयों श्रीलंका के साथ जब भी डील करनी हो, खास करके उसकी गवर्नमेंट के साथ जब भी डील करनी हो, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज जो व्यक्ति की ओरिजिनल आइडियोलॉजी है, जो ओरिजिनल नेचर है, वो कभी भी नहीं जाता। एक कहावत है, कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। तो उसी के ऊपर चलते हुए ये जो दिशा नायक हैं वो अगर जेन्युइनली एफर्ट्स करते हैं भारत और चाइना के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है श्रीलंका के लिए। और ये हमारा अनुमान है, जिस प्रकार से हमने अनुमान लगाया था मोहम्मद मुइज़्ज़ू जब लास्ट ईयर इलेक्ट हुए थे उस समय कि वो भारत के खिलाफ गतिविधियां करेंगे, तो उसी प्रकार से अगर ये कुछ खेल खेलने की कोशिश करते हैं अंडर कवर कोवर्ट
तो उसको लेकर भी भारत की सरकार और भारत की एजेंसीज को और यहां तक कि भारत के लोगों को, वो भी वहां की सरकार के साथ डील करते हैं, उनको चौकन्ना रहना होगा और बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाने होंगे। ये हमारा मत है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। क्या आप जानते थे दिशा नायक को, उसकी हिस्ट्री को, और ये जो जनता विमुक्ति पेरामुना है उनकी जो पार्टी है जिसको ट्रांसलेट किया जा सकता है पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, उसके बारे में ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करना ना भूलें। यहाँ पर QR कोड लगा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी बैंक डिटेल्स भी दी है, तो आप डायरेक्टली ट्रांसफर करके हमको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।